ऑफिस में क्या चीज फर्क होती है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हर चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी को टच नहीं कर सकता फिजिकल, ठीक है, आपको कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता मैं आपका, ठीक है, मैं आपका कोई फिजिकल जो है वो असेसमेंट नहीं कर सकता। तो जेंडर उसमें जो है वो असल में इसकी जरूरत नहीं है फिजिकल जो है ना मतलब कॉन्टेक्ट की। ये तो असल में मैंने बताया कि जो ट्रीटमेंट है इसका बहुत लॉन्ग टर्म है सर्जिकल ट्रीटमेंट से, क्योंकि देखें सबसे पहला काम ही यही है कि उसको जो है ना उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। तो उससे जब आप बात करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, उसके व्यूज देखेंगे, उसको सबसे पहला काम ही यही है। अगर तो वो मेंटली रिलैक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, चाहे उसके व्यूज कुछ भी हैं, तो वो बहुत सारे अपने डिसीशंस ले सकेगा, बहुत सारी जो है ना सोसाइटी को फेस कर सकेगा, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा। तो बिल्कुल ऑनलाइन हो सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपको हर जगह आपको अपने कल्चर के जो है ना लोग मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, मैं पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी किसी मतलब कोई भी इस मसले से दो चार है उसको जो है वो मैं कैसे मतलब देख सकता हूँ। तो ऑनलाइन पे कहीं पे भी उसको जो है ना मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी उसको मतलब ये कि कहीं से भी कोई भी जो है ना सर्विस मिल सकती है। बिल्कुल ऑनलाइन जो है उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने जहाँ तक रिसोर्सेज हों उसको एक्सप्लोर करें, और बजाय इसके कि किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन में जाएगी उसके जहाँ उसकी ज़िंदगी खतरे में हो, उसको फ़ौरन जो है अपने लिए रिसोर्सेज तलाश कर लेने चाहिए जहाँ से उसको सपोर्ट मिल सके।